सीमा में दारू रुकल आ बालुओ रुकते दिलो एकदम इतिहास खोलवा तो सही सलामत जब तक छिया तब तक बालू सही सलामत नहीं चल देबन। प्रशासन से सवाल जाके पूछो तो जाए वो ट्रैक्टर तोरा मिले एजा सौंसे अठ 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 नौ नौ जे सी बी रात भर चल तो जे सी बी किया न पकड़े हो मर्द के दू एगो डर रहे एगो मौत के एगो जेल के हम दोनों पार कने अभी भी जो है बालू का अवैध खनन हो ही रहा है। हाँ भाई होब नहीं करे स्थिति देखने हो रोड के आ जहाँ कटे ओजुका स्थिति तनी पिताजी भी सबसे पहला अथी में मुखिया रहते हैं। मुखिया बने हुए आपको कितने वर्ष हो है बोले ना हम अपना आप कभी तक मुखिया बुझलिए है आ ना हमें जनता बुझे जनता नहीं छथिन कोई सब समाज से हम तोरे माइक पर सबसे पहले कह लिए इतिहास लिख दे आ इतिहास मोटा मोटी बम मुखिया लिख दिलक विवादित शब्द जो चल अत न तो सब प्रतिनिधि के माथा घूमा लगे जो भाई हाथ दाँव सबके रहे वोट के चिंता आरोप प्रत्यारोप आबे जाए लेकिन चैलेंज छाती ठोक कहे सबसे बड़ा नसूर छथिन से हम पंचायत प्रशासन जो है इस पे थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट की करे छथिन आर हमरे दे छथिन नजरक छोड़ एक भी जसी भी मटियानी थाना के अंदर जो आज तक जो पकड़ने होती जे कि रोजाना लाखों के कारोबार हो जसी भी ट्रैक्टर के हाथ दहो ठीक एगो FIR तैयार हमें मुखिया तक ठीक छुआ हमरो बाल बच्चा है कनियन है परिवार है। अभी फिलहाल मैं सीमा पंचायत में हूँ और सीमा पंचायत के ऐसे चर्चित मुखिया के पास हूँ जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। इतना ही नहीं बता दूं कि सीमा पंचायत के जो मुखिया हैं पूरे जिला में चर्चित और ट्रेंडिंग में रहने वाले मुखिया हैं बम मुखिया। मैं बम मुखिया जी के पास आ जाया हूँ और कहा जाता है कि बम मुखिया गाँव सुखिया। तो सबसे पहले मैं आज चर्चा करूँगा कि आखिर बम मुखिया गाँव सुखिया ये क्या आप अपना स्लोगन बनाए या जनता आपको ये स्लोगन बना के दी। और सबसे पहले तो मैं बात करने से पहले आपका स्वागत करता हूँ KB न्यूज नेटवर्क। देखो हमरा लगे है ना जहिया मुखिया के सर्टिफिकेट हमरा GD कॉलेज में मिलल रह समय में तो सबसे पहले तोरे से भेटे भेल रह तो तू ही सबसे पहला सवाल पूछलो रे जब जीत गए तो हाँ कते वोट से तते वोट से तो सबसे पहला काम की होते तो खैर वो आगा चर्चा होते अला तोरो स्वागत है आए नहीं है तनि भेंटघट हो चाहिए। अब तोहर जो सवाल छे बम मुखिया गाँव सुखिया तो चुनाव लड़े से पहले नहीं है कि बम चुनाव लड़ मुखिया के लड़ तो भए गेल जो बम मुखिया ओकर बाद भेल जो बम जितला के बाद बम मुखिया गाँव सुखिया मतलब प्रचार प्रसार नहीं होइ छौ वह तो अपन हमर कोई देन नहीं छे समाज के देन छे आ खास करके स्कूलिया बच्चा जत्ते छथिन न स्कूल के बच्चा उनके द्वारा ये सब नारा कहो या स्लोगन कहो या जे भी कहो एक तैयार क्या के हमरा कान तक देल गेले तो कुछ पोस्टो उस्ट दिलो न तो बम मुखिया गाँव सुखिया जैसे बीच में भए गेले जे बम मुखिया सिंहमा सुखिया तो ये सब तनी सुनने में हमरो अच्छा लगले बनेने रह गेलिए। तो मुखिया जी मैं एक चीज आपसे लेना चाहूंगा कि आप पहले भी समाज के बीच रहे और भी प्रतिष्ठित लोग थे आपके समाज में लेकिन ऐसा क्या आन पड़ी जो जनता आपको ही मुखिया के लिए सेलेक्ट किया था और जिताया भी इसके पीछे का कारण क्या है क्या आपका
योगदान रहा समाज में जो आज आपको जनता मुखिया बनाने का काम किया था? ये तो दिल हो एकदम इतिहास खोलवाए तो है। मैं आज इसी पे चर्चा करने के लिए आया हूँ पर्सनली। देखो हमारे गांव एना है ना, बड़ी मुश्किल से 6 साल भेल बुझल, मतलब ये सब लाइन घुसा। तो ये 6 साल के दरमियान हमरा माथा में कभी ये चीज नहीं अल जो हमें कोई उम्मीदवारी पेश करिए। गाँवे के दौग भाग तनी पिताजी भी सबसे पहला अथी में मुखिया रहथिन, तो भए गए जो वो मुखिया छथिन तो हिनको ई लाइन में नानल जाए। तो हमें गाँवे का समाजे के आशीर्वाद से ई लाइन में अलिए आ समाज सब मानते छथिन, तब ई लाइन में पकड़ल गेले। लेकिन कभी सोचलिए नहीं जे मुखिया लाइन में आना, जब नहीं सब लाइन में कभी आबैक छे। समाज के प्रेशर रहले, जोर रहले जो भाई आओ आओ अलिए, समाज भी मानल। लेकिन मुखिया बने हुए आपको कितने वर्ष हो गए है बोले? मतलब मोटा मोटी टाइमिंग मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं आपके आपके ही मुंह से जानना चाह रहा। हमें तो अभी कहलियन तोरे सबसे पहला सर्टिफिकेट हमरा तोरे माइक रहे साथ, मोटा मोटी इतिहासा बोलल कह दिलवा 2 साल। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ 2 साल में आपने जो जनता आपको आपके विश्वास पे वोट दिया था और मुखिया बनाया था, तो 2 साल में आपका क्या कार्यभार रहा पंचायत के तमाम जनता के लिए? हमें एक चीज में सुधार करवा दे जो नहीं हम अपना आपका अभी तक मुखिया बुझलिए हैं आ नहीं हमें जनता बुझे छे। जे छथिन भाई छथिन, चाचा भेला, माय भेल, पिती भेल, समाज भेल, जनता हमें नेता लायक नहीं छे बुझल। समाज छे, समाज लायक छे, जनता नहीं छथिन कोई, सब समाज छथिन। आब बात कल हो काम तो हमरा से जे पहिने रहथिन ठीक, हुनकर की छै नै छै ओहि पर हम विशेष टिप्पणी नहीं करबा। आबा हो काम के बात, हम तोरे माइक पर सबसे पहिने कहलिए जे इतिहास लिख देबै हम। ओ जे जीडीए कॉलेज तोरे कहलिए रे जे हम इतिहास लिख देबै, आ इतिहास मोटा मोटी बम्बम मुखिया लिख दलक। जे सीमा के समस्या रूप में सब जाने रहथिन, क्रिमिनल छै, रंगबाज गांव छै, ऊ नाम समस्या हट के आब दोसर रूप आ गेल। मात्र यह 2 साल में ये छुपल बात नहीं छै। आब आहो विकास के बात पर, रोड सड़क ठीक, वो कोई भी मुखिया रहते उतना करिए छे। सरकारी योजना आबे छे नाने छे करे छे, कोई भी करबे करथिन। सबसे बड़ा समस्या नजर ले हमरा दू को, जब बाढ़ आबे छे तो बहुत जगह चले के रास्ता नहीं रहे, तो ओकर कारण नजर अलग जो भाई विवादित है। तो जो विवादित शब्द जो चल अत तो सब प्रतिनिधि के माथा घूमे लगे छे जो भाई हाथ दाँव सबके रहे छे जो वोट के चिंता, वो काम के जनता के या समाज के काम केना हुए वो पर केकरो माथा नहीं गेल, सबके रहल जो करबे तो बाद बात विवाद होता है, हमर वोट हट जाए, हमर वोट घट जाए। जे भी प्रतिनिधि ये चीज सोचे छथिन हमर वोट घट जाए, हमर वोट ई काम कैला से हमर वोट बन जाए, वैसे बढ़िया वो काम नहीं करवा। लोभ अलो पाप होबे करतो, ये नियम है। मन में जखने लोभ अलो तोरा पाप करवाइए देतो, तो वोट के लोभ से हट के बात विवाद छे
एक दिन में नहीं समस्या सुलझल, दो दिन में नहीं सुनल, तीन दिन में ओना क्या कर। हमें पंचायत समिति, हमर वार्डर, हमर समाज के लोग जे स्थल पर वाद विवाद रहे उनका सबसे लगातार ई मैटर पर बात होते रहले। लगभग 7 गो रोड ऐसन रहे जकरा कोई छूबे न करते, तो सबके सहयोग से ई काम कैल गेले, जे कि सिहमा के अभी तक ई अपन मुँह बड़ा नहीं करे के चाहिए, लेकिन सवाले दल हो ऐतिहासिक के इतिहास पर कह दी जे ई चीज ऐतिहासिक हमर समाज हमरा से करवेल के जकर हम गवाह छे। आवा हो मेन मुद्दा शिक्षा, स्कूल के जे विधि व्यवस्था रहे, सबसे पहले उत्तरवाई टोल के स्कूल, ओकर बाद मर्रा टोल के स्कूल, गोसाई टोला के स्कूल, तो गोसाई टोला के स्कूल में कुछ वाद विवाद अभी वो यथावत बनल छे। कोशिश करै छे तो 2-4 गो छथिन, मतलब नहीं बोलने के चाहिए, 2-4 गो छथिन जे टांग घिचा वाला, यदि उतरा दे जान जेथुन न जे ई काम हाथ देव करे है तो चाभी कसना शुरू करे छथिन जे केना एकर काम खराब हुए। मेन मुद्दा छे अभी गोसाई टोल, ओकरा तंजावा के स्कूल के दिक्कत छे, जमा अभी तक हमें सफल नहीं भेलिए। मतलब अगला कदम जो है आपका कहीं ना कहीं उस शिक्षा के मंदिर जो है उसको पूरा करने में आप तो शिक्षा नजर रहते क्या आप वैसन देखो बहुत बढ़िया भोज क्या दलो ठीक, तो आरोप अप्रत्यारोप लगवे वाला के ना कहता जो हाँ सब्जी में निमक नहीं रहे, वह में मिर्चाई बेसी रहे, ओकरा इन नजर आवे छे समाज के सहयोग से तो बढ़िया काम भेले, उ माथा में घुसे नहीं है रहता जो केनहियो बुराई करिए। अच्छा मुखिया जी, जिस विषय को लेकर आप पे जिला में चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, बालू का अवैध खनन को लेकर, और कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे चैनल पे देखा हूं कि आप काफी रोकथाम में लगे रहते हैं कि बालू का अवैध खनन जो हो रहा है सीमा पंचायत में वो बंद हो जाए, लेकिन कुछ वैसे व्यक्तियों के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है कि खुद बालू माफिया है बमबम सिंह, जो कि कुछ कमीशनों को लेने के लिए वो खुद चाहते हैं कि मेरे पास कमीशन आए तब जाके बालू का अवैध खनन जो है हो पाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप हकीकत में बालू का अवैध खनन को रोकना चाहते हैं या आपका भी इसमें योगदान? ये जो कहलो न जो बालू अवैध खनन जी ठीक, मुखिया बमबम मुखिया ठीक, कमीशन बालू से आज तक जत्ते बालू चोर जो कमीशन आथिक आरोप लगवे छथिन ठीक, उनका कहून जे तुम जे आरोप लगवे छो तो क्रिया खा के कहो जो बमबम मुखिया 1 रुपया जो मांगने हुन किनको से ठीक। आब आहो मेन अथी पर, आरोप प्रत्यारोप आबे छै जाय छै, लेकिन चैलेंज छाती ठोक के कहे छै वा सिहमा के 3 गो समस्या मेन छै, आग पानी बालू, 2 गो तो चलवा अनजान बस या प्राकृतिक कहो समस्या, तो ओय में बमबम मुखिया की सबसे अथियो लग के पानी के रोक नहीं सके छियै, आग पर तनी सावधानी बरत के काबू पाए सके छे, आ ई जे जत्ते ई बालू माफिया की बालू चोर कहो ई है सबसे बड़ा नासूर छथिन सिहमा पंचायत के, ई यदि अपना आप के सुधार कै ले तो गारंटी दे छु आप तोरे माइक पर फैन से सिहमा के बेगूसराय के नंबर 1 पंचायत बनाए दे। अच्छा अभी जो बालू का अवैध खनन हो रहा है उस पर आप कितना लगाम लगा चुके हैं अब तक? देखो पहले चले रहे दिन भर रात भर, दिन में ब्रेक लगल ठीक, तो दिन में ब्रेक लगल हमारे समाज के सहयोग से
हमर पंचायत के पदाधिकारी के सहयोग से रात में लगाम नहीं लगब करे तो प्रशासन जिम्मेदार छथिन। तो इसमें कहीं ना कहीं आप अकेला लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जनता और जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिला था? जनता डर से नहीं बोले छे, एक दू गो बोलते तो ओकरा मारपीट गोली गाड़ी आब। प्रशासन से सवाल जाके पूछो ज तो जो जाए वो ट्रैक्टर तोरा मिले एजा सौंसे अठ 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 नौ नौ गो जेसीबी रात भर चले तो जेसीबी किया न पकड़े छो ट्रैक्टर पकड़ के जो कड़ी कार्रवाई हो गई। कौन चीज के कड़ी कार्रवाई हो गई? बम्बम मुखिया के एगो फोन आबै छै जे मुखिया बदमाशी कर रहा है तो दस दस गड़ी फोर्स आ बालू के मतलब अथी अठ अठ नौ नौ गो जेसीबी चले वही घड़ी एगो मोटरसाइकिल से फोर्स नहीं हो बचल छथिन कि? बम्बम मुखिया खुला सीधे कहे छुआ हमरा जेल आ फेल आ जखने कुर्सी पर बैठे छो न बुझलो जेल जेबे करबो आ मर्द के दू एगो डर रहे एगो मौत के एगो जेल के हम दोनों पार कने एक भी चैलेंज ठोक के कहे छुआ एक भी जेसीबी पकड़ल गेल अभी तक। यानी अभी भी जो है बालू का अवैध खनन हो ही रहा है? हाँ भाई हो न करे स्थिति देखने वो रोड का जहाँ कटे ओजौका स्थिति ओजौका दस दस फीट पाँच पाँच फीट छः छः फीट के गड्ढा फेन भै गए प्रशासन कहाँ छथिन? मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पे थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट नहीं कर। सपोर्ट की करे छथिन आर हमरे दे छथिन ओझराइक छोड़ सपोर्ट छोड़ो ना आर हमरे ओझराइक छोड़ दे छथिन आ तब कहे छथिन बम्बई मुखिया प्रशासन के विरोध में बोलता है। एक भी जेसीबी टोटल 25 साल से कि 20 साल से चलब करे छे हमे बनलिए हमे रोकथाम करे लगलिए एक भी जेसीबी मटियानी थाना के अंदर जो आज तक जो पकड़ने होथिन जेकि रोजाना लाखों के कारोबार हो बोलबे तो कहथिन विरोध में बोलते हैं। तो आप तो बालू का अवैध खनन के लिए काफ़ी प्रयत्न हैं सील हैं लगे हुए हैं कि बालू का अवैध खनन रुक जाए तभी जाके सीमा पंचायत जो है एक विकास की ओर जाएगा। क्योंकि अगर बालू का अवैध खनन होगा तो स्वाभाविक है कि बाढ़ के समय में गांव डूबने वाली समस्या में काफ़ी ज़्यादा जो है मुकसद झेलना पड़ता है पंचायत के लोगों को। तो शायद हमें लगता है कि जिला प्रशासन को भी इस पे सहयोग करना चाहिए और बम्बम जी को सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि बालू का अवैध खनन जो है वो रोका जा सके। बम्बम मुखिया जी थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि क्या कुछ आपके भी ऊपर केस हैं? सुनने में आया है कि बहुत सारे केस आप भी मान लीजिए इस सीमा पंचायत के एक समय का हीरो रहा करते थे, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई? देखो केस फेस जब से बालू रोकना शुरू के लिए न अवैध खनन के खिलाफ ठीक जब रोक टोक शुरू भेलै तब हमरा ऊपर केस होने शुरू भेलै। मतलब जब से बालू का अवैध खनन के लिए आप इसमें कदम रखे तब से आपके ऊपर केस होना शुरू? तभी से केस होने शुरू भेलै। जेसीबी ट्रैक्टर के हाथ दहो ठीक एगो FIR तैयार हो जाए जना तो ही माइक पकड़ पूछब करे छो बोल दलियो ठीक जे ना एना छे ओना छे हुनकर कलम तोहर न्यूज चलते हुनकर कलम शुरू भए जेते जल्दी से आओ जे तो केस हमरा तखने होइ छे हे जे दस दिन छोड़ दलिए बुझलो अठ अठ गो जेसीबी आ रोकल जाहो तो गोली चले छे तो गोली चले छे प्रशासन को सूचना दहो तो ठन ठन गोपाल। कोई बात नहीं ये तो केस की मैं बात कर लिया था, आपके ऊपर केस भी हुए हैं लेकिन कहता है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं तो कभी कभी उनको कठिनाई भी झेलना पड़ता है और उसके बाद जो है सफलता भी मिलता है। लेकिन सफलता के पीछे सुनने में आया कि आपको सम्मानित भी किया गया है, तो थोड़ा सा मैं उस पर भी आऊँगा कि आपको किस किस अवार्ड से किस काम को लेकर आपको सम्मानित भी किया गया था। मैं आज
पूरा जीवनी में आज एक तरह से आप पे पूरा बायोडाटा मैं आपसे निकालने वाला हूँ। देखो सम्मानित ठीक कल गए डी एम साहब अथी नाम अभी पूरा नहीं याद छ अथी रौशन कुशवाहा सर अभी जो वर्तमान हाँ वह तो डी एम साहब के द्वारा सिंहमा पंचायत के सुशासन के पुरस्कार मिलले ठीक आ यह अथी छ लेकिन फेन जना विवादित तो कुछ लोग की चीज हजम नहीं भेले जे केना कैक की कैक सिंहमा के बाद मिल गेल तो चलो ठीक है कह लो जे कोई काम करे आ कुर्सी पर बैठबो ती सब भाई झेलिए पड़त नहीं झेलबो तो कुर्सी पर आहो नहीं समाज सेवा में घुसो तो पहिने वकील तैयार कर लो वकील तोहर तैयार छे तो समाज सेवा शुरू कर दो क्या तोरा जाइए छे तोरा जखने तो समाज सेवा में घुसबो तोरा कोर्ट कचहरी ब्रह्म के लकीर छे कोई नहीं रोक पैतो तो माइक पकड़ने छो न एगो जो तो एक दूगो न्यूज दहो तो तनी भड़कदार अथी क्या तुरते जाए पड़त होबे करत यह नियम छे वकील पहिने तैयार कैने रहो या हथकड़ी के तैयारी कैने रहो होबे करत। तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगा क्योंकि दो साल तो आपका कार्यभार हो गया तीन साल बचा है और तीन साल अब आगे आपका कैसा पंचायत रहेगा और पंचायत के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा वो तो वक्त बताएगा लेकिन आगे फिलहाल क्या मूड बनाए हुए हैं फिर से पंचायत चुनाव में मुखिया के रूप में लड़ना चाहते हैं या कोई बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं कभी तो आप विचार किए होंगे। नहीं भाई हमें सिंह में तक छिवा मुखिए तक ठीक छिवा ठीक मुखिया तक हम सीमित रहल चाहे जिला में भी घूमते रहते हैं लोग कहते होंगे या समाज के पंचायत के लोग कहते होंगे मुखिया नहीं अब इनको जिला परिषद के लिए लड़ना चाहिए चाहे आगे और भी कुछ नहीं भाई हमें मुखिया तक ठीक छुआ हमरो बाल बच्चा है कनियन है परिवार है मुखिया तक सीमित छो उतने पर हम रह जाए आगा के हमरा जिला परिषद नहीं अति किनको से कोई आ नहीं किसी पार्टी कोई पार्टी से ये जो है वो पार्टी ये पार्टी ऐसे हमरा कोई मतलब किनको से नहीं पर्सनली मटियानी विधायक राजकुमार जी से पुराना संबंध छन हमर गार्जियन भेलखिन हमर गार्जियन की मालिक भेलखिन खाली हुनका लेके हम चले छे हमरा पार्टी साटी किनको से कोई बहस। एक प्रश्न याद आ गया सर और जब आप राजकुमार जी का नाम लिए तो थोड़ा सा मुझे एक प्रश्न याद आ गया कि हाल फिलहाल एक दो दिन पहले एक राजकुमार जी के कार्यक्रम में आप भी पहुंचे हुए थे वो भी मटिहानी का ये शायद कहानी है कि प्रोग्राम हो रहा था और आप मानव सेवा तो कर ही रहे हैं जनता के बीच अपने पंचायत में लेकिन जानवरों से भी आपका काफ़ी लगाव है ना जाने जानवर आपको कैसे पहचान लिया एक समाज सेवी को कि ये मेरे लिए खड़े उतरेंगे तो क्या कहानी है एक गाय आपके पास आती है और आप उसको हैंड पंप से चला रहे हैं और वो पानी पी रहा है ये एक मतलब अचंभित कहानी सा लग रहा है इसलिए मैं आपको से पूछना चाहता हूँ क्या कहानी का पीछे राज था। सही बोली वाह जी हमरो अभी तक पते नहीं चाहिए के ना की चाहिए लेकिन वीडियो में तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप हैंडपंप चला रहे हैं गाय एकदम खुशी से पानी पी रही है। देखो सब रहिए वजह खड़ा विधायक जी वजह मटियानी फुटबॉल मैदान का कार्यकारिणी के बैठक क्या कर आ कलखिन जब निकले छे कलिए ठीक तो सब खड़ा रही वो गैया आयल है दो बार थुथुन से मारल के न मारल के अच्छा तो भाग गलिए मांगलिए तो कर अथिया नहीं लग जाए छो पेंट कलिए बार गाय लगा दे लग जाए छे धोए लग हमरा जाए से पहने गाये वजह अथी में नहीं छो पानी उनी रह छो तनी गड्ढा त जा वो बस हमें चले लिए वो फुल पेंट धोए ल जहाँ दाग लगले रे वो लगले पानी पिए
बस कल ये जो पुण्य के भागीदारी बना जाए ना तखन पुण्य ही हुआ एक तो इसे पुण्य तखन थोड़ी सब मथा में रहे तखन तो रहे कत्ते प्यासल छे चलते चलते हाथ दुखबे लगले कल ये कत्ते प्यासल छे करो बाद जबरदस्त में कहा भी जाता है मुखिया जी कि एक प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य की बात है और मानव हो या जानवर हो लेकिन आप गौ सेवा में जो योगदान आप दिए वो देखने का काम शायद हमें लगता है समाज को एक बहुत बड़ा आईना आप दिखाने का काम किए कि कोई भी जानवर को भी आप अपना समझे और उसे सहयोग करना चाहिए। वो जे भी भेलै ना बुझलो हमें जे जानतिए कन्हे सी वीडियो बनब करे छे तो चुपचाप हाइट जतिए तो ये अचानक भेलै हमरो वीडियो मिललै 9-10 बजे रात में तब हम जब वीडियो देखलिए आ सही बात छिकै जे वो वीडियो देख के तब लगले जे हम कुछ कर लिए बुझलो आगे आगे क्या फिर इस टाइप से आप जानवरों पे ध्यान क्या आप तो जनता के बीच हैं ही लेकिन क्या आप जानवरों का भी आपके दरवाजे पे भी काफ़ी जानवर है तो लगाव तो है ही जानवर और माता श्री देखे छथुन हमरा आर गाय भैंस कोई वैसन अथी नहीं उ संजोग बस भै गए बुझलो वो अचानक अथी अब वीडियो बन गए हाँ ये बात तो दाद दे छे आ छातियों चौड़ा हो हम सही काम कलिए देखला के बाद तखन पता लगे तखन हाँ दुखब पता लगे तो ये सभी कारनामे थे मुखिया जी का और 2 साल में इन्होंने एक ऐसा पहचान बनाने का काम किया जो शायद हमें लगता है कि जिला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बम बम मुखिया गांव सुखिया के नाम से प्रचलित हैं शायद कोई नहीं ऐसा होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो आज मैं बहुत सारे विषयों पे मैं बात किया बम बम जी से और बम बम जी मैं जाते जाते एक प्रश्न लाखरी मैं सवाल आपसे करूँगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं जो आपके चाहने वाले हैं और खास करके जो बालू का अवैध खनन करते हैं और जिला प्रशासन से आप क्या संदेश यहाँ से देना चाहते हैं? हमें लगे छे जत्ते एलखिन ना सब पर इतना बात कहबे के लिए ना फैंस तोरो माध्यम से कह दे छे या तो बालू रोक दे नहीं तो बम बम मुखिया को रोक दे हम जब तक छियन चोरी छुपे ऐह बह करवा वह हम सही सलामत जब तक छियन तब तक बालू सही सलामत नहीं चला देबन एके गो चलाए वह सके छथिन जे ऑथराइज होथिन जे सरकार द्वारा जहाँ भाई आप कर सकते हैं सीमा में दारू रुकलन हो सीमा में दारू रुकला आ बालुओ रुकतै आ वो हम ये बात बार बार रिपीट के कह करे छुआ या तो बम बम मुखिया के रोक दे नहीं तो बालू रोक जिला। तो अभी आप सुन रहे थे बम बम मुखिया जी को हमारे साथ आज बहुत अच्छा जो है इंटरव्यू रहा और मैं चाहूँगा कि शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना तार जना की कहे छो सोशल मीडिया फेसबुक कुंचिन कुंची इंस्टा ट्विटर जे जे वकरा छे ओय पर जत्ते लोग देखे छे तोरे माध्यम से हम बम बम मुखिया बहुत शुक्रगुजार छुआ एते प्यार देने छे एनहिए प्यार बनेने रही। बहुत बहुत धन्यवाद बम बम जी आप हमारे चैनल से जुड़े और आप बिबाकी से अपनी बातों को रखा बहुत अच्छा मुझे लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बम बम मुखिया जी जो कि बहुत अच्छा लगा आज इनसे जुड़कर मुझे बात करने में काफ़ी मज़ा आया शायद आप लोगों को भी इनके बातों से शायद हमें लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा शायद अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये इंटरव्यू तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और हमारे केवी न्यूज नेटवर्क को देखने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर करें अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियोग्राफर पत्रकार सुजीत के साथ मैं साकेत कुमार धन्यवाद।